तो आज हम लेकर आए हैं तीन सांप, तीनों अलग अलग प्रकार के जाति के हैं सांप और भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तीनों सांप। हम अभी दिखाने वाले हैं खोलकर कौन कौन सा सांप है और कितना जहरीला है। और ये जो जितना ये आपको लौक रहा है इसमें तीन सांप पकड़ कर लाए हैं भाई साहब, और इसमें तीन प्रकार का सांप है, इसमें मतलब कोई और सांप है और इसमें भी कोई और सांप है मतलब, और इसमें मतलब अलग अलग सांप है और ये तीनों सांप बहुत ही जहरीला इसको माना जाता है। और ये भाई साहब पकड़ लाए हैं और तीनों को चलिए एक साथ रिलीज करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है भाई के चैनल पर, कोई काम वाम था इसीलिए, तो चलिए इसीलिए तीन गो सांप स्टॉक में था। तो भाई साहब कितने दिन से तीन गो सांप स्टॉक में रखे थे, तो चलिए इस तीनों सांप को आप लोगों को ले चलेंगे और भाई साहब किस तरह छोड़ेंगे और रिलीज करेंगे यही दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और खोलकर आप लोगों को दर्शन कराते हैं। सबसे पहले ये दिखाते हैं कौन सा सांप है, खोलने के बाद ही मालूम चलेगा। इसमें ऑक्सीजन के लिए भी बनाया गया है बोरे में, यहाँ पे आइए दिखाइए थोड़ा लगे से। इसमें दिखा दीजिए, इसमें इंडियन रेड स्नेक है, इंडियन रेड स्नेक, जो कि इसको मतलब हमारे यहाँ लोग बहुत ही मतलब इसको जहरीला मानते हैं, जिसको हमारे भाषा में धामन बोला जाता है, धामन बोला जाता है। और आपके शहर में क्या बोला जाता है हमें पता नहीं है, कमेंट करके बताइए। तो चलिए पहले इसको देखते हैं और इसको भी रिलीज करते हैं, पहले निकाल कर आप लोगों को इसके बारे में कुछ खास खास जानकारी बता देते हैं कि। तो चलिए निकालिए, तो ऐसा गलती कभी ना करें, हम बोरे में हाथ डालकर सांप को निकाल रहे हैं, देखिए। और इस भाई का एक्सपीरियंस है इसीलिए डालकर हाथ निकाल रहे हैं, बाकी आप लोग मजाक मत कीजिएगा सांप के साथ, देखिए। तो ये देखिए कितना पटा रहा है यह सांप और फुर्तीला भी है यह सांप, तो इसको यहीं पे छोड़ा जाएगा। और इसका जो देह है पूरा प्लेन प्लेन सा है और इसको कितना फीट का होगा हम यह भी बता देंगे, यह नर है या मादा है। यह मादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मादा है। और इसका दांत भी दिखा रहे हैं हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह मछली के दांत होता है उसी तरह इसका भी होता है, यहाँ पे छोटा छोटा दांत होता है। एक मिनट आइए देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, जब छोटा छोटा मछली के दांत होता है उसी तरह इसका भी होता है। और इसका दांत कोई चाहे कि तोड़ लें और तोड़ कर इसको रखे तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसका दांत छोटा छोटा है, इतना छोटा छोटा होता है कि बुझाएगा नहीं कि कहाँ पे दांत है इसका। यह बाइट करता है लेकिन दिख नहीं होता इसमें, तो हम इसको छोड़ने आए, पहले इसको छोड़ देते हैं क्या। तो छोड़ेंगे तो इतना रफ्तार में भाग जाएगा साथ ही फिर धरने पर नहीं धराएगा, देखिए किस तरह भाग जाएगा। उधर शुरू होता उधर छोड़ेंगे, जिसमें थोड़ा और दुआ निशान है उसको भी दिखा लीजिएगा, धरा दो दूसरे को। ज़्यादा जोर से दाबना नहीं, तो अब दिखाने वाले हैं अजीबो गरीब सांप जो यह विलुप्त के कगार पर है यह सांप। यह सांप का नाम है कॉमन सैंड गोवा, तो भाई इसको बोरे में पैक कर लिए और चलिए दूसरे की ओर चलते हैं और इसको भी दिखाते हैं। इससे थोड़ा दूरी रहिएगा,
ये सांप इसको मतलब बहुत जहरीला माना जाता है और लोग इसको देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो देखिए छोटा होता है लेकिन बहुत मोटा होता है और इसका चेहरा भी अजीबो गरीब है। देखिए गोला मार दिया है रसोलाई पर की तरह, लेकिन यह रसोलाई पर नहीं है। देखिए कितना छोटा है और कितना मोटा भी है। कितना छोटा और कितना मोटा है देखिए, और रसल वाइपर की तरह बैठता है, देख लीजिए। अरे यार वही रसल वाइपर इसी तरह बैठता है। उसके कारण यह है कि वह सीटी मारता है या नहीं मारता है। तो इसको देख सकते हैं, इसके देह पर थोड़ा कैसा है, मतलब काला काला सा है और रेघारी भी बहुत ज्यादा है। और ये डरावना सांप है और इसमें शायद बीक होता है बीक इसमें नहीं, कॉमन सेंस हुआ, इसमें बीक नहीं होता है। और ये जो ये देख रहे हैं ना, ये अजगर टाइप का है। पास में ये थोड़ा ये देख रहे हैं, अजगर टाइप का है लेकिन अजगर नहीं है। अगर रसल वाइपर होता तो यहाँ पे गोल गोल होता ऐसा ही, लेकिन रसल वाइपर नहीं है। यह सांप कॉमन सेंट गोवा है, इसमें बीक नहीं होता है। अपना भाषा में बोला जाए तो थुथुरा, थुथुरा कहा जाता है और बहरा भी कहा जाता है इस सांप को। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये काटता है तो पानी भी नहीं पीने देता है लोगों को, मतलब जल्द ही खत्म कर देता है, मतलब बहुत सुस्त भागता कम है, भागता कम है, ज्यादा माटी में रहता है ना, माटी में। मतलब आप लोग इससे एकदम मतलब मजाक भी नहीं कीजिएगा, मतलब कोई जानवर मतलब किसी को ठेस पहुंचाइएगा तो कोई भी आपको हानि कर सकता है क्या? आप देख सकते हैं इसका इसका मुंह को जूम कीजिए तो ये देखिए सांप विलुप्त होने की कगार पर है। और मतलब इस सांप को मतलब जल्द से जल्द नहीं छोड़ा जाएगा इसको, तो ये मतलब खत्म भी हो सकता है। तो इसको चलिए ज्यादा नहीं लेट करेंगे, इसको भी छोड़ेंगे। तो चलिए अब एक सांप और बच गया यहाँ, और इसमें जो सांप है देखने के बाद बहुत खतरनाक, इसमें जो सांप है बहुत खतरनाक है। तो चलिए उसको वहीं पर रहने देते हैं क्योंकि वो सांप ज्यादा भागता नहीं है। तो इसको खोलते हैं और फिर आप लोगों को दर्शन। ये जो सांप है ना वो सही में आप लोग को देखने में ही बहुत ज्यादा डर लगेगा। और इसका जो ये होता है ना छत्तर बहुत ज्यादा है इसका, दिखा रहे हैं कैसा है इसका दांत। ब्लॉग बना होता नहीं हम असल में, स्टार्ट करो। तो इसका दांत हम दिखा रहे हैं लोग जो कॉस्ट के बोली है, इस तरह से देखिए इसका दांत। वाह देखिए, बाप रे बाप, बहुत तगड़ा है। उसका मुंह हवा छियारो ना, कॉस्टी रहेगा तब ना। यही से तो इसका दांत देखिए, दांत कहाँ भैया, बहुत छोटा छोटा है दांत इसका, ऊपर ऊपर दो लाइन में है, बहुत ज्यादा इसका दांत है। हाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे दे है ना, जो गोजी फंस रहा है। अच्छा ऊपर ऊपर नीचे दोनों है, फंस गया है। ठीक है ठीक है, छोड़ दीजिए, चलिए हम सांप के बारे में दिखा रहे हैं। मराज मूर्खा जी हमारे बहुत ही फुर्तीला सांप को दिखाने वाले हैं। वाह देखिए कितना ज्यादा आवाज निकाल रहा है ये। हम लोग डर गए, मुझे लगा कि उसी पूरा में है, लेकिन एक और पूरा है। सेफ्टी के लिए तो दो बड़ा काफी रहेगा। और देखिए सांप का आवाज सुनिए, जरा आकर सांप का आवाज सुनिए, लगे लगे कैमरे लगे रहो, देखिए सांप का आवाज एकदम एकदम लगे, देखिए देखिए यार कितना खतरनाक। और आप देख कर समझ ही सकते हैं कि कितना खतरनाक सांप होगा। निकलने के बाद इसका दृश्य कुछ अलग ही होगा, लग रहा है बेस्ट जोर रहा है। चलिए निकालिए और लोगों को ज्यादा मत तरसाइए, थोड़ा दूरी रहिएगा, छोड़िए निकलेगा। देख सकते हैं गाइस, देखिए और उसका पूरा मुंह तर लेकर आइए, देखिए कितना ज्यादा चकला है। और ये बाइट करेगा तो ये सांप स्पेक्टिकल को देख सकते हैं गाइस। और इसमें सांप सही में इसमें जहर होता है ना, उसमें के ऐसा जहरीला जहरीला, ये बहुत ही पुराना है सांप, नागमन भी ले लग रहा है।
हम यहाँ पे दिखाएंगे ये कितना बड़ा और कितना पुराना यह सांप है। कितनी छोटा है ये? इस सांप को देख सकते हैं बहुत ही मतलब जहरीला है। वो जितने सांप आप लोगों को दिखाए उससे कई गुना ज्यादा ये जहरीला है। और किस तरह यह फूंक मार रहा है, इसको पकड़ा जा सकता है? तो ये आप देख सकते हैं स्पेक्टिकल कोबरा, देख सकते और ये कितना बड़ा है, तो लमसम 20 साल पुराना है ये सांप। 20 साल तो 20 साल का तो अभी हम और आप नहीं हो रहे हैं और ये 20 साल पुराना है। हमारे ही जोरा पारी का होगा यह सांप। और ये मेरे ही गांव में निकला और था। देह पर इसका देख सकते हैं मतलब केचुरी छोड़ने के मतलब तादाद पे था, लेकिन इसको पकड़ लिया गया। लेकिन ये छोड़ भी सकता है, फिर हम इसको छोड़ेंगे। इस आपको सबसे बड़ी बात है पकड़ना, अगर तनी सा हाथ इधर उधर हुआ तो ये दाब देगा दांत से अपना। और लोग सांपों को देखते हैं तो मार डालते हैं, लेकिन मारना चाहिए नहीं? कुछ बोल दीजिए। नहीं मारना चाहिए, सांपों को कभी नहीं मारना चाहिए, इसमें भी जान होता है। बिना गलती के सांप को ही किसी को काटता नहीं है। हम भी गलती किए इसको पकड़ कर, तो ये हमें भी बाइट कर सकता है, लेकिन इसको पता क्या है कि हम इसको छोड़ेंगे या मारेंगे। लेकिन इसको हम लोग छोड़ने वाले हैं, तो इस सांप को हम इसी जंगल में छोड़ने वाले हैं। जो तीनों सांप है, इस सांप को हम इसी जंगल में तीनों को भगाएंगे एक साथ। अगर आप लोग भी हमारे बिहार से हैं, तो अगर आप लोग बिहार में जहाँ भी हो अगर सांप वगैरह निकले, तो डिस्क्रिप्शन में भाई साहब का नंबर है, फ़ोन कर सकते हैं या उस पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। सब है मतलब बिहार में कहीं भी होगा आप लोग फोन कर सकते हैं। घर और में सांप निकले चाहे और कुछ भी, सांप के अलावा और कुछ भी पकड़ते हैं बोल दीजिए दर्शकों को। जितने भी जीव है उसको सबको हम बचाते हैं, कुएं में गिरा हो कुछ कहीं भी गिरा हो हम बचा लेंगे। मतलब जीव जंतु जानवर जो भी कुछ हो मतलब परेशानी में होगा, मतलब हमारा टीम यहाँ सारा है देख सकते हैं। और टीम बहुत सारे हैं आज, ये लोग थोड़ा आइए थोड़ा हमारी टीम को दिखाइए, माहिर है सांप पकड़ने की टीम को, सारी टीम को देख सकते हैं। आप कॉल करेंगे तो आपके घर नूर खान भी हैं, देख लीजिए यहाँ का नूर खान सर भी है, कॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये तो यहाँ पे हमारे डायरेक्टर जो नूर खान भाई है, जंगल में छोड़ते हैं घर में के लिए, तो आप और काफी माहिर है। मानिए हम लोग ऐसे सांप पकड़ते हैं तो सांप को हम लोग कोई तकलीफ नहीं देते हैं और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को मारेंगे तो उसको भी यार चोट लगता है, उसमें भी जीव होता है। तो हम लोग को कोई भी जीव को तकलीफ नहीं देना चाहिए। और बात करें इस सांप को, तो इस सांप को मिराज भाई पकड़े हुए हैं अपने टोले से, गांव से, मोहल्ले से, और हम लोग इसको यहीं रिलीज करेंगे इस जंगल में। हम लोग इस सांप को कोई ऐसा शारीरिक कोई परेशानी नहीं हम लोग देते हैं, इस जंगल में हम लोग रिलीज करेंगे। तो चलिए साथ में बने रहिए रिलीज के साथ, चलिए खून बह रहा है, आइए तब थोड़ा जाए सांप को। तो चलिए तीनों सांप जो मौत के मुंह से निकाल कर लाए हैं और सोच रहे हैं कि ये सांप हम छड़ी से क्यों उठाए हैं, तो छड़ी से तीर क्या और ये चिपका है भी है सांप, लगने वाला है, लगने वाला है, इसको लकवा ने मार दिया, देखिए कितना मोटा कितना पतला है, मैंने छोड़ दिया, ये देखिए ए हाथों अजीब लग रहे हैं। तो रिलीज करते हैं और इसको स्थायी जगह पर इधर थोड़े लेकर आ जाओ, छोड़ आता हूँ, इसको देखिए गाइस छोड़ रहे हैं और ये देखिए कहाँ जाता है, चला जा। तो गाइस देखा उधर थोड़ा देख सकते हैं गाइस, देखिए कहाँ गया वो। तो अभी साहब को यहीं पे छोड़ा जाएगा, इसको भी यहीं से जाएगा उधर अपने महबूबा के प्रैक्टिकल कोबरा, जो बहुत ही जहरीला, बहुत ही जहरीला, बहुत ही खूंखार है, बहुत ही जहरीला, बहुत ही खूंखार, दस देग आदमी भागेगा। चलिए इसको छोड़िए, तो इसको हम छोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह फन खाया है, मतलब करीब देखिए, छोड़ दीजिए पूरा, तो ये भी भाग गया, देखिए कितना रफ्तार से वो भागा है। अब चलिए बारी आती है फनी सांप की, भाग जाए माटी, ना ना भगा दे माटी में, खारा में डाल दिया तू, माटी देखे माटी में रहेली। हाँ
तो गाइज हमारा जो सांप वाला कार्यक्रम था छोड़ने का वो पूरा समाप्त हो चुका है, तो आप लोग कुछ कहेंगे? तो इसी जंगल में छोड़ा गया है सांप। ये जंगल देख सकते हैं पूरा, मतलब इधर यहाँ पे आदमी बहुत कम आता जाता है, इसलिए सांप यहाँ पे छोड़ा गया है। और यहाँ बगल में लाश भी जलाया जाता है, लाश भी जलाया जाता है, इधर कोई आदमी का आना जाना बहुत ही कम रहता है, इसीलिए इधर छोड़े हैं लोग, किसी को मतलब काटने का खतरा नहीं है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेस्क्यू के साथ, सांप को पकड़ेंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे दूसरे वीडियो में।